गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं जब हम अपने इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये टॉपिक आप पढ़ चुके हो। आज आपने क्या पढ़ना है? मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर। अब हमें अपने मेथड्स पढ़ने हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। चलिए देखिए, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर, इसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज योर अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड सेकेंड वन इज वेटेड इंडेक्स नंबर। जो अनवेटेड इंडेक्स नंबर होते हैं उसमें सिर्फ एक ही टाइप है आपकी, सिंपल एग्रीगेट मेथड। और जो आपका वेटेड इंडेक्स नंबर है उसमें आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 मेथड है। फर्स्ट वन इज लेस पेरे मेथड, पाशे मेथड, फिशर्स आइडियल, ड्रोबिश बोले, मार्शल एजवर्थ एंड लास्ट वन इज वॉल्स प्राइस इंडेक्स। ये आपके मेथड्स हैं वेटेड इंडेक्स नंबर के। ये सब अब हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो जो फर्स्ट मेथड है आपका वो क्या है? अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड यानी कि हम उन सब इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे जिसमें हम वेटेड को काउंट नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम वो मेथड पढ़ेंगे जहाँ पर हमने वेटेड को काउंट करना है। ठीक है, चलिए देखिए एक एक करके हम मेथड स्टार्ट करते हैं। मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले कुछ नोटेशंस बता रही हूँ। देखो, इन द वर्ड्स ऑफ मिटचेल, इनके अकॉर्डिंगली वो हमें बता रहे हैं द रियल प्रॉब्लम फॉर द मेकर ऑफ इंडेक्स नंबर इज वेदर He shall leave waiting to chance or seek to rationalize it। वो बोल रहे हैं जो जनरल प्रॉब्लम ही हम फेस करते हैं, मेकर्स फेस करते हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या तो वो क्या करते हैं, वेटिंग को, जो भी हमें वेट करना है या तो वो हम छोड़ देंगे या फिर हम क्या करेंगे उसको, उसकी जो भी हमारा डाटा होगा उनको हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं से जो भी हमारी वैल्यूज होंगी उन सबको देखेंगे। हमारे पास दो चांसेस हैं कि या तो आप उसको छोड़ दो या फिर आप उसको कलेक्ट करो। ठीक है, चलिए नोटेशंस हैं आपकी। फर्स्ट वन, लेट पी आई जे डिनोट द प्राइस ऑफ द जेथ कमोडिटी इन द आईएथ प्राइस। पी आपका किस चीज को डिनोट करता है? जो आपकी प्राइस होगी आईएथ ईयर, जिस भी ईयर की हम बात करेंगे उसमें। तो पी आपका यहाँ पर किस चीज को डिनोट करता है? जो भी आपकी आइटम्स होंगी, जिस भी आइटम के लिए आप कंपैरिजन करोगे या अपना इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करोगे उसका जो प्राइस होगा वो हम डिनोट करेंगे पी आई जे से। फिर आता है आपका क्यू आई जे। क्यू आई जे मीन्स डिनोट द क्वांटिटी। जो क्वांटिटी को डिनोट करेगा हमारे ईयर में उसको हम किसे डिनोट करेंगे? क्यू आई जे से। दोनों का प्रोडक्ट जो होगा उसको हमने डिनोट किया है वी आई जे। ये क्या है आपका? जो वैल्यू आएगी आपकी इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ, जो भी हम ईयर के अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो जे की वैल्यू है वो कहाँ से रन करी है? फ्रॉम 1 to up to n। आई इज ऑल्सो फ्रॉम 0, 1 to up to k। दीज टू रेफर टू द वेरियस सिचुएशन टू बी कंपेयर्ड विच वी हैव रेफर टू एज जीरो सर्विंग एज द बेस ईयर एंड आई एज अ गिवन ईयर। वो हमें ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपका जीरो है, जब भी आप जीरो से डिनोट करोगे यानी कि वो आपका क्या हो जाएगा? बेस ईयर हो जाएगा। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था बेस ईयर का मतलब क्या होता है, कि जो उनसे भी ईयर की वैल्यू को हम लेंगे, हम हर एक वैल्यू को उस वाले ईयर के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। वो हमारा क्या होगा? बेस ईयर होगा। तो यहाँ इन्होंने हमें डिनोशन बताई है कि जीरो हमारा किस चीज को डिनोट करेगा? बेस ईयर को। एंड आई इज फॉर योर गिवन ईयर, जो भी हम ईयर की वैल्यू बाद में देंगे वो आपका क्या हो जाएगा? आई एथ। नाउ इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस द समीशन इज टेकिंग ओवर जे फ्रॉम 1 to up to n। जे कहाँ से कहाँ तक रन करेगा? फ्रॉम 1 to up to n अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। थस वी विल राइट, हमने क्या करना है, जो हमारे पास पी आई जे का समीशन है, यू ऑल्सो कैन राइट इट एज दिस, एंड क्यू आई जे समीशन जे रनिंग फ्रॉम 1 to n, यू ऑल्सो राइट दिस लाइक इन दिस मैनर। विच आर द आई एथ ईयर प्राइस एंड द क्वान्टिटी
रेस्पेक्टिवली। ये आपको पता ही है कि यहाँ पे आई आपका क्या है, कोई भी एक ईयर होगा जो आपका प्राइस और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सो इन पर्टिकुलर समीशन ऑफ P0J एंड समीशन ऑफ Q0J रेफर टू द बेस ईयर प्राइस एंड बेस ईयर क्वांटिटी रेस्पेक्टिवली। कि आपका किस चीज को डिनोट कर रहा है, जो भी आपका प्राइस होगा बेस ईयर का और जो भी आपकी क्वांटिटी होगी बेस ईयर की, जिसके साथ हम हर एक आइटम की वैल्यूज को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये आपकी नोटेशंस हैं जो आपने अपने मेथड में फॉर्मूलेज में यूज करना है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इसमें सबसे पहला मेथड मैंने आपको कौन सा बताया था, सिंपल अनवेटेड एग्रीगेट मेथड। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस इन एनी ईयर एज अ परसेंटेज ऑफ देयर एग्रीगेट इन द बेस ईयर। थस प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स फॉर द आईथ ईयर एज कम्पेयर टू द बेस ईयर इज गिवन बाय दीज टू फॉर्मूलाज। वो बोल रहा है कि ये वाला मेथड हम कब अप्लाई करेंगे, जो हमें एक्सप्रेस करेगा हमारे एग्रीगेट ऑफ प्राइजेस का किसी भी ईयर में, जब हम उसकी परसेंटेज को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे अपने किसी बेस ईयर के साथ। तो ये आपका इसका फॉर्मूला है, दिस वन इज फॉर योर प्राइस एंड दिस वन इज फॉर योर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, यहां आपको पता ही है इस फॉर्मूले में जीरो क्या है आपका बेस ईयर एंड पी इज फॉर योर प्राइस। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट वन इज सेकेंड मेथड था आपका वेटेड एग्रीगेट मेथड। देखिए ये वाला मेथड हम कब यूज करते हैं, दिस मेथड प्रोवाइड फॉर द डिफरेंट कमोडिटीज टू एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस इन द इंडेक्स नंबर बाय असाइनिंग एप्रोप्रिएट वेट्स टू ईच। वो बोल रहा है वेटेड एग्रीगेट मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमें हमारी हर एक आइटम की वेटेड गिवन होगी, क्वांटिटी गिवन होगी कोई भी बेस ईयर के अकॉर्डिंगली, तब हम क्या करेंगे, वेटेड एग्रीगेट मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला है P0i इक्वल्स टू समीशन ऑफ Pij Wj डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0j Wj इनटू 100। यहाँ Wj आपका क्या है, आपका वेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज मैंने आपको बताया था वेटेड एग्रीगेट मेथड के आपके टोटल 607 मेथड्स हैं, अब हम उनको पढ़ते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको इन सबके नोटेशंस और इनके फॉर्मूलाज बता रही हूँ, इनको हमें न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है, कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए नेक्स्ट वन इज लेस पारेज प्राइस इंडेक्स और बेस ईयर मेथड। आप इसको बेस ईयर मेथड भी बोल सकते हो। देखिए इफ वी टेक Wj इक्वल्स टू Q0j इन 3.2, जो अभी आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है वेटेड का, अगर मैं उसमें Q0j की बजाय दोबारा देखिए, हमने अभी 3.2 यानी कि वेटेड वाला जो अभी मेथड पढ़ा है, उस फॉर्मूले में अगर मैं Q0j को Wj से डिनोट करती हूँ यानी कि अपने वेट से डिनोट करती हूँ, इफ द बेस ईयर क्वांटिटीज आर टेकन एज वेट, के जो बेस ईयर क्वांटिटीज है अगर आप उसको वेट लेकर चलते हो, तब हमारा ये क्या होगा, लेस पीरियड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स और एल फॉर्मूला इज गिवन बाय। तो आप उसको एल फॉर्मूला भी बोल सकते हो और वो फॉर्मूला क्या है आपका, दिस वन। ठीक है, यहाँ एल है क्या है, ये एल है आपका डिनोट कर रहा है किसको, बेस ईयर मेथड को या फिर एल फॉर्मूला को। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज पार्शियल प्राइस इंडेक्स और गिवन ईयर मेथड। बाय टेकिंग गिवन ईयर क्वांटिटीज एज वेट, जो गिवन ईयर क्वांटिटीज है अब हम उसको क्या कंसिडर कर चल रहे हैं, वेट कंसिडर कर चल रहे हैं, तो तब वो हमारा मेथड कौन सा हो जाता है, पार्शियल फॉर्मूले का, एंड दिस वन इज योर पार्शियल फॉर्मूला। और यहाँ पे PA क्या है आपका, डिनोट कर रहा है पार्शियल को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर ड्रॉबिश बोले, इसमें आपको क्या करना है, अर्थमैटिक मीन कैलकुलेट करना है दोनों मेथड्स का। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा ड्रॉबिश बोले का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला इज द अर्थमैटिक मीन ऑफ दीज टू प्राइसेस इंडेक्स। इन दोनों का जो अर्थमैटिक मीन का फॉर्मूला बन जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉबिश
बोले। इसे आप एलपी फॉर्मूला भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेस पेरेज और पाशे का दोनों का ही अर्थमेटिक मीन कंसिडर करके इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज मार्शल, एजवर्थ, प्राइस इंडेक्स और बेस ईयर एंड द गिवन ईयर। जब हम यहाँ पे दोनों ही कंसिडर कर रहे हैं, बेस भी और गिवन ईयर भी, यानी कि अगर मैं क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर एंड द क्वांटिटी ऑफ द गिवन ईयर दोनों को कंसिडर कर रही हूँ, इफ फेट आर द अर्थमेटिक मीन ऑफ द बेस ईयर क्वांटिटीज एंड द करंट ईयर क्वांटिटीज, जब मैं दोनों का ही वेट कंसिडर कर रही हूँ तो वो हमारा क्या होगा, मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स। कि जब भी हमें जो भी डाटा बेस ईयर और गिवन ईयर दोनों का ही होगा तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, मार्शल वाला। एंड दिस वन इज योर फॉर्मूला फॉर द मार्शल। नेक्स्ट वन इज वॉल्स प्राइस इंडेक्स। इसमें हमने क्या करना है, अर्थमेटिकली करना है, जिसमें आपको वेट को क्या करना है, अंडर रूट ऑफ बेस ईयर एंड द करंट ईयर। ठीक है, देन दिस वन इज योर फॉर्मूला फॉर द वॉल्स प्राइस इंडेक्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिशर आइडियल। फिशर आइडियल में आपने क्या करना है, जो आपने लेस पेरेज एंड पाशे फॉर्मूला पढ़ा है उनका ज्योमेट्रिक मीन। तो ये आपका फॉर्मूला है, दिस वन इज फॉर योर फिशर आइडियल इंडेक्स। ये सारे आपके मेथड्स हैं वेटेड इंडेक्स नंबर के, ये इनके फॉर्मूलाज हैं जिन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना इंडेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। कोई अगर आपको डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो एनी टाइम। ओके, थैंक यू।